Hi, welcome to the video on fuzzy logic. My name is Hira Shaheen. आज हम लोग देखेंगे properties of fuzzy sets. Last videos में हमने देखा fuzzy sets क्या होते हैं और fuzzy sets operations क्या क्या हो सकते हैं, union, intersection, complementation, difference और disjunctive sum. ये सब चीज़ें हमने देखा, कैसे find कर सकते हैं और power of a fuzzy set, इक्वालिटी ऑफ फजी सेट, प्रोडक्ट ऑफ अ फजी सेट विद अ नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं. आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फजी सेट्स. सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. इस वीडियो के साइड में एक लाल रंग का बटन है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, या फिर आप हमारे चैनल पर जा कर के उसमें भी वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी कहता है कि अगर आपका दो सेट है, फजी सेट ए एंड बी, और उसका अगर हम ए यूनियन बी करते हैं और बी यूनियन ए करते हैं तो दोनों सेम होगा. यही यहाँ पे लिखा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. मीन्स अगर हम ए को पहले लिखें और बी में, बी को बाद में लिखें, या बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें, यूनियन इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिविटी कहता है कि अगर आपका ये तीन सेट है, फजी सेट ए बी एंड सी, और ये यूनियन है, अगर हमारा सेम तरह का ऑपरेशंस होता है, यूनियन आपके एक एक्सप्रेशन में सेम ऑपरेशन है, यूनियन ये एक एक्सप्रेशन है, उसमें यूनियन जो है आपका दो बार है, तो कौन सा यूनियन पहले किया जाए, ए यूनियन बी किया जाए या बी यूनियन सी पहले किया जाए. तो ये कहता है कि ये एसोसिएटिव है. फजी सेट्स का जो ऑपरेशंस है ये एसोसिएटिव है. अगर हम ए यूनियन बी पहले निकालें फिर उसका सी से यूनियन करें, या हम बी यूनियन सी पहले निकालें और उसका ए से यूनियन करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों सेम है. उसी तरह से इंटरसेक्शन के केस में भी अगर हमको दोनों दो इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और फिर बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स तीनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले कौन सा किया जाए? तो इसमें भी ये कहता है कि ये एसोसिएटिव है, इंटरसेक्शन यूनियन दोनों ही. अगर हम बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लें फिर उसको इंटरसेक्शन ए से करें, या फिर ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लें फिर उसका सी से इंटरसेक्शन करें, तो ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जहाँ कहीं भी आपको ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारा ऑपरेशन सेम है लेकिन हम किसको पहले पैरेंथेसाइज करें, किसकी प्रायोरिटी पहले सेट करें, कि इसको हमको पहले फाइंड करना है या इसको पहले फाइंड करना है. तो इस केस में क्या है, ये एसोसिएटिव है, ये दोनों बराबर हैं, या तो इधर से करें पहले या इधर से पहले करें, एक ही बात है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी यहाँ देखिए, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी पहले निकाल लिया गया और फिर ए यूनियन सी निकाला गया, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया गया, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव. या फिर ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी यूनियन पे इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे और फिर दोनों का यूनियन कर लेंगे, ठीक है. आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंपोटेंस. आइडेंपोटेंस में कहते हैं कि अगर हम कोई फजी सेट है ए, उसका यूनियन अगर हम ए से करेंगे या इंटरसेक्शन खुद के सेट से करेंगे, यानी ए यूनियन ए करें तो ए ही रहेगा, या ए इंटरसेक्शन ए करें तो ए ही रहेगा, इसको कहते हैं आइडेंपोटेंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी. देखिए इसमें ऑलमोस्ट जो आपके प्रॉपर्टीज हैं वो जो आपने सेट थ्योरी पढ़ा है उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं नॉर्मल सेट की, वही प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है. देखिए यहाँ कहता है फजी सेट ए अगर है, उसका यूनियन हम फाई से करें, फाई क्या है, नल सेट है, तो क्या होगा, ए ही रहेगा, और ये एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है. तो अगर हम ए का इंटरसेक्शन एक्स से करें, एक्स क्या है,
यूनिवर्सल सेट है, ये ए इंटरसेक्शन एक्स हम करेंगे तो ए आएगा, क्यों? क्योंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट और ए में, तो एक्स जो एक्स यूनिवर्सल सेट है उसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एरिया ए ही होगा, इसलिए ये ए होगा। और ए इंटरसेक्शन अगर फाई करेंगे तो फाई में क्या है, नल है और इसमें ए कंप्लीट है, लेकिन इंटरसेक्टिंग कुछ भी नहीं होता है उसमें, इसलिए ये फाई होगा। ए का यूनियन एक्स से करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये कहलाता है आइडेंटिटी, ए इंटरसेक्शन एक्स ए रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कहता है कि अगर आपका ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, इट इज गिवन देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। इन्वॉल्यूशन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का हम अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ये सी जो है कॉम्प्लीमेंट के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो ए होगा, जिस तरह हम नेगेटिव का नेगेटिव लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, उसी तरह कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो आपका नॉर्मल बिना कॉम्प्लीमेंटेड सेट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। और ये सारे सेट जो हैं फजी सेट्स हैं, ये जो टिल्ड साइन देख रहे हैं, टिल्ड साइन ही इंडिकेट करता है कि ये सेट जो है फजी सेट है। डी मॉर्गन्स लॉ, अच्छा फजी सेट का क्या मतलब है, कि उसमें आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे एलिमेंट्स के साथ, उसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप दी हुई होगी। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, या हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। सपोज ये दो सेट दिए हैं ए एंड बी, ए में एक्स वन की डिग्री 0.4, एक्स टू की डिग्री 0.3 है, डिग्री मीन्स डिग्री ऑफ मेंबरशिप, और बी में एक्स वन की डिग्री 0.2 है और एक्स टू की डिग्री 0.6 है। अब हम क्या, हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को। तो डी मॉर्गन्स लॉ में आप दो आपका रूल है, एक तो पहला कि आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले वाले मेथड से चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहला हम लोग वेरीफाई करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम लोग को मेंबर्स की डिग्री कैसे लेते हैं, हम लोग मिनिमम जो दोनों में डिग्री होती है एलिमेंट्स की उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये इन दोनों में x1 की डिग्री मिनिमम क्या है 0.2 और x2 की डिग्री मिनिमम क्या है 0.3, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका हम अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एलिमेंट्स आद की डिग्री होती है उसको हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x1 की डिग्री क्या हो जाएगी इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 - 0.2 0.8, x2 की डिग्री क्या हो जाएगी 1 - 0.3 0.7, ये हो जाएगी x2 की डिग्री। अब हम लोग राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में कहता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब उसके बाद a कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 की डिग्री हो जाएगी 1 - 0.4 करेंगे तो क्या आएगा 0.6, और x2 की डिग्री क्या आ जाएगी 0.3 है x2 की डिग्री a में, तो 1 - 0.3 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, ठीक। अब फिर हम क्या करते हैं b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
बी में एक्स वन की डिग्री होती हुई 0.2, तो इसमें 1 माइनस 0.2 करेंगे तो क्या होगा 0.8, और एक्स टू की डिग्री 0.6 दी है तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, यूनियन कर देना है इन दोनों का, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों की जो मैक्सिमम डिग्री होती है दोनों में उसको चूज करते हैं। तो x1 की डिग्री दोनों में क्या है 0.6 है, एक में 0.8 है, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है 0.8, वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। x2 में एक में 0.7 है, दूसरे में 0.4 है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है 0.7 है, तो हम वो वैल्यू लिख लेंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए क्या ये दोनों सेट इक्वल है, ये जिसको हमने नंबर वन दिया था, x1 की डिग्री 0.28 है और x2 की डिग्री 0.7 है, और इसमें x1 की डिग्री 0.8 है और x2 की डिग्री 0.7 है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। तो क्या बराबर है, बराबर ये हो गया आपके इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका प्रूफ हो गया और वेरीफाई हो गया कि ये आपका इक्वल है। इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको इसमें और ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यानी ए यूनियन बी, ए माइनस बी, तो हम लोग सारे चीज़ें इसी तरह से परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। हम लोग उसका एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, इंटरसेक्शन बी, ये सब का, ठीक है। आगे देख, सपोज एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन दी गई है। इसमें कहता है डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ एक्स इन फजी सेट ए, डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ एक्स इन फजी सेट ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ एक्स इन फजी सेट बी इज इक्वल टू 2 to the power ऑफ माइनस एक्स। कभी कभी आपको डिग्री ऑफ मेंबरशिप दी जाती है इस फॉर्म में। इससे क्या करते हैं हम लोग, इसका डिग्री फाइंड करते हैं। सपोज एक्स आपको पता होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू, और आप इसमें पुट करके उसकी डिग्रीज फाइंड कर सकते हैं कि हर एलिमेंट की डिग्री क्या है। अगर एक्स वन होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 2, और ये क्या हो जाएगा 2 to the power of -1, यानी 1/2। इस तरह से हम लोग ए में और बी में दोनों में उसकी डिग्रीज फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दी गई है ए और बी की मेंबरशिप फंक्शन। अब इसी तरह का मेंबरशिप फंक्शन हमको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का फाइंड करना है, ए यूनियन बी का फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का फाइंड करना है, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसको फाइंड नहीं करना है, इसका हमको मेंबरशिप फंक्शन बताना है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा डिग्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ, डिग्री ऑफ एक्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 minus x upon x plus 1। ये होता है ना, या हम ऐसे लिखते हैं 1 minus μa of x। यहाँ पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus μa of x, और μa of x आपका है x upon x plus 1, ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको माइनस करके देख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x plus 1 minus x upon x plus 1, विच इज इक्वल, इसमें क्या है ये पहले आप लोग लिख लेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 1 upon x plus 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो उसी तरह से हम लोग फजी डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ एक्स इन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखिए छोटा सा बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके डिग्री जो इसका बी का डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्स
इन फजी सेट बी, उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें दिया हुआ है इसका डिग्री 2 to the power of -x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/(1/2)x, और अब इसको लिखेंगे 2 to the power of x - 1 whole divided by 2 to the power of x, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए यूनियन बी का। अब डिग्री ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। डिग्री ऑफ एक्स इन ए यूनियन बी, इसका फंक्शन, तो इसके लिए हमें क्या बताया था मैंने कि मैक्सिमम हम फाइंड कर लेते हैं म्यू एक्स इन डिग्री इन फजी सेट ए एंड म्यू ऑफ एक्स इन फजी सेट बी, ये दोनों का हम लोग मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लें, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, x/(x+1, 2)-x, इन दोनों में जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगा उसको चूज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का हमको फाइंड करना है म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन एक्स, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लिखते हैं मिनिमम ऑफ म्यू ए ऑफ एक्स कॉमा म्यू बी ऑफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं मिन ऑफ x/(x+1) कॉमा 2^(-x), ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं, म्यू ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, म्यू ऑफ डिग्री ऑफ एक्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके में हम म्यू ऑफ एक्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको इस तरह से हम लोग बोलते हैं, म्यू ऑफ एक्स इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या यहाँ म्यू ऑफ एक्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसको कहेंगे म्यू ऑफ एक्स इन ए यूनियन बी। तो हम लोग ये वाला कर रहे थे, इसमें क्या करना है हमको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग निकाल चुके हैं उसकी डिग्री, उन दोनों में जो उसकी मिनिमम डिग्री होगी ये इसमें हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हो गया मिनिमम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1/(x+1), और बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, 2^(-x - 1)/(2)-x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे फजी सेट्स में, ओके। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है और आप इसे सीख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या डिस्कशन फोरम में भी लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।